तो दोस्तों, अगर आप बीएड पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है, या किसी प्रकार की भी समस्या असिस्टेंट और गाइडेंस या वन टू वन इंटरेक्शन के लिए, आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर विथ योर नेम एंड योर ईयर, आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज, मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके ही YouTube चैनल बी एड एग्जाम पर। और दोस्तों, आज बात कर रहे हैं हम लोग पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स का। तो अगर आप पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, आप छात्र हैं MDU के, आप CCS के छात्र हैं, आप जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हैं, या फिर उत्तर प्रदेश में संचालित जो विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो आपको पेडागॉजी से संबंधित ये प्रश्न देखने को मिलेगा ही। एक्चुअली मैथमेटिक्स पेडागॉजी भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भी संचालित की जाती है, ये उससे बहुत ही रिलेटेड प्रश्न है और पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो खासतौर पे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी MHD और MDU के लिए तो मैं आपको सीधा सीधा ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल में भारत में गणित में क्या विकास हुआ। तो देखिए दोस्तों, गणित का विकास जो है एक बहुत ही निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये उत्तर वैदिक काल से यानी कि पूर्व वैदिक काल में भी हुआ करती थी, और उसके बाद में भी उत्तर वैदिक काल के बाद में भी काफ़ी इसमें खोज हुई, जैसे कि साइन थीटा, कोसाइन थीटा, ये सारी चीज़ें जो है उत्तर वैदिक काल के बाद हुई है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप देख सकते हैं अगर विस्तार पूर्वक गणित के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर फिलहाल हमारा प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में गणित का क्या विकास हुआ। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से लेकर 500 AD तक, यानी कि आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, ये जो समयावधि है, इस दौरान में भारत में गणित के क्षेत्र में बहुत ही अद्वितीय विकास हुआ है। गणित के क्षेत्र में अद्वितीय विकास हुआ है, और इस समय में मैं आपको बताता हूँ कि बोधायन, देखिए यहाँ पे बोधायन शुल्लभ सूत्र की खोज हुई, जिसे आज हम इसी के अंतर्गत जो है पाइथागोरस थ्रियोम, यानी कि जो पाइथागोरस का प्रमेय है जो हम आज के टाइम में समझते हैं ना, वो बिल्कुल उससे ही मिलता जुलता है। यानी कि पाइथागोरस का जो प्रमेय है असल में बोधायन के शुल्लभ सूत्र से ही प्रेरित है, उस पर ही आधारित है। तो आपको पता है कि इन्होंने उत्तर वैदिक काल में ही, आप याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा कि बोधायन के सुलभ सूत्र, अब ये जो बोधायन के सुलभ सूत्र है ना, इसी के आधार पर पाइथागोरस थ्योरम का निर्माण हुआ। यहाँ पर स्क्वायर यानी कि वर्ग का किसे निर्माण करें, यहाँ पर आयत का निर्माण कैसे करें, त्रिकोण का निर्माण कैसे करें, इनका क्षेत्रफल कैसे निकालें, वर्ग कैसे निकालें, ये बहुत सारी चीज़ें यानी कि ज्यामिति से संबंधित बहुत सारी चीज़ें जो है उत्तर वैदिक काल में बताई गई हैं, समझाई गई हैं। क्योंकि ये जो बोधायन का सुलभ सूत्र है, इसका मुख्य उद्देश्य था जो यज्ञ से संबंधित, जो भी पूजा पाठ से संबंधित जो भी ज्यामित्रीय आकृतियां बनानी हो, जैसे कि यज्ञ कुंड बनाना हो, यज्ञ के लिए जो स्थान निर्धारित करना हो, तो कितने लोगों के बैठने के लिए कितनी आवश्यकता होगी स्थान की, इस तरह की जो क्षेत्रफल का निर्धारण करना या क्षेत्रफल का ज्ञान करना, ये सारी चीज़ों के लिए हम जो है बोधायन के सुलभ सूत्र का इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि जो बोधायन का सुलभ सूत्र है, इसके आधार पर बहुत सारी ज्यामितीय रचनाओं के संबंध में जानकारी इकट्ठा की गई, उनका क्षेत्रफल कैसे प्राप्त किया जा सकता वो पता किया गया, चाहे इसमें वर्ग की बात हो, आयत की बात, आयत यानी कि रेक्टेंगल, वर्ग यानी कि स्क्वायर, और त्रिकोण यानी कि त्रिभुज की बात करें, तो इससे संबंधित, इसके अलावा वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इस समय अवधि में की गई। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में गणित का विकास बहुत ही प्रखर तरीके से हुआ, और इसी दौरान में आप देखेंगे कि भारत में जो है वैदिक गणित का भी विकास हुआ, जिसको कि पुनर्जीवित किया गया वर्ष 1884 से लेकर 1960 के दौरान, और मुख्य रूप से 1911-1918 के बीच में वेदों को वापस, वेद पे जो आधारित गणित है यानी कि वैदिक गणित जो है उसको पुनर्जीवित किया गया। तो वैदिक गणित जो कि 16, मतलब यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा, 16 प्रकार के सूत्रों पर आधारित है। तीर्थ जी के अनुसार समस्त वैदिक गणित जो है क्या 16 सूत्रों पर आधारित है। तो आपसे अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि भाई उत्तर वैदिक काल में गणित का विकास किस प्रकार से हुआ, तो आप मुख्य रूप से 3-4 बातें यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी समयावधि में जो है आपके वैदिक गणित का विकास हुआ, इसी समयावधि में आप जो देखेंगे कि बोधायन के सुलभ सूत्र का यानी कि ज्यामितीय आकृतियों से संबंधित विभिन्न आकृतियों को
बनाने की विधि, उसके अलावा उनका क्षेत्रफल निकालने की विधि, वर्ग निकालने की विधि, इससे संबंधित इस तरह की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर की गई थी इस दौरान में। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, द टू मेन वैल्यूज टॉट थ्रू आपके मैथमेटिक्स, यानी कि गणित के माध्यम से आप जो है कौन से दो प्रमुख मूल्य सीख सकते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारे लिखे हैं, डिटेल में लिखा है, आपको मैं कुछ प्रमुख बस मेन मेन नाम बताता हूँ। तो गणित के माध्यम से पढ़ाए जाने वाले या सीखे जाने जो प्रमुख मूल्य हैं उनमें से है परिशुद्धता और सटीकता। परिशुद्धता और सटीकता मतलब, क्योंकि गणित में आपको सही उत्तर तभी मिलता है जब आप सही तरीके से, शुद्ध तरीके से, बिना किसी गलती के, जब आप जो है सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं, आप जो है सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो गणित के माध्यम से कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में भी एक मूल्य, एक गुण सीख सकते हैं कि अगर सही परिणाम आपको चाहिए, सटीक परिणाम आपको चाहिए, तो आपके प्रयास जो होने चाहिए क्या होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए और सटीक होने चाहिए। सटीक का मतलब जो रिजल्ट के लिए आपको चाहिए वही काम करना, उसके अलावा इधर उधर का काम करेंगे तो सटीक रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसके अलावा तर्क और आलोचनात्मक सोच का विकास। देखिए, हमारे अंदर गणित को पढ़ने के दौरान बहुत सारे प्रश्नों को हल करने के समय हमें अपना तर्क लगाना पड़ता है, और कई बार जो है किसी एक सिद्धांत या किसी एक प्रश्न को हल करने के लिए कई अलग अलग तरीकों के ऊपर हमें विचार विमर्श में, तो इससे हमारे अंदर तर्क और आलोचनात्मक सोच या चिंतन की जो शक्ति है उसका विकास होता है। इसके अलावा दृढ़ता और निरंतरता। देखिए, हमको कई बार इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ता है, हमारे सामने ऐसी स्थिति आ जाती है जब हम प्रश्न का हल ढूंढ नहीं पाते, हमारे सामने जो समस्या होती है कुछ इस प्रकार की होती है, जटिल हो जाती है, या फिर उसका समाधान एक बार में एक प्रयास से नहीं मिलता, तो हमें दृढ़ रहना पड़ता, हमें उसे अनेक बार अलग अलग प्रयासों से अपनी गलतियों का पता लगाना पड़ता है, क्या गलतियाँ हो रही है, कहाँ पर गलतियाँ हो इसका विश्लेषण करना पड़ता है। तो इस प्रकार की गति जब हम गणित शिक्षण में करते हैं तो कहीं ना कहीं ये गुण हमारे जीवन में भी आता है, और इससे हमारे अंदर दृढ़ता और लगातार बने रहना, अपने कार्य के प्रति दृढ़ता से और निरंतरता के साथ में लगे रहना, इस प्रकार के गुणों का भी विकास होता है। इसके अलावा रचनात्मकता और नवीनता। देखिए, गणित शिक्षण के दौरान हमने आपको बताया कि हो सकता है एक ही प्रश्न को आप जो है कई अन्य विभिन्न प्रकारों से जो है हल कर सकते हैं, तो रचनात्मकता का भी आपके अंदर विकास होता है, आप जो है एक कार्य को करने के फिर नए नए तरीके ढूंढने का प्रयास करते हैं, और कई बार आप सफल होते हैं, कई बार असफल भी होते हैं, लेकिन प्रयासों के माध्यम से आप सीखते जरूर हैं। तो इसी प्रकार से जब हम रचनात्मकता और नवीनता की बात करते हैं तो गणित शिक्षण के माध्यम से जिस प्रकार से हम हिट एंड ट्रायल करते हैं, यानी कि सही और गलत के माध्यम से अपने प्रश्नों को हल करते हैं, इसी प्रकार से यही तरीका हम कई बार अपने जीवन में भी अपनाते हैं। जब हम किसी समस्या के समाधान में लग जाते हैं, किसी विषय के बारे में हम ज़्यादा जानने का प्रयास करते हैं, तो एक ही माध्यम से ना करके बल्कि हम अलग अलग दृष्टिकोण से उसको देखते हैं, अलग अलग माध्यम से अलग अलग विकल्प सोचने का प्रयास करते हैं किसी भी एक समस्या के समाधान के लिए, तो इससे हमारे अंदर रचनात्मकता, हम कुछ नया करते हैं जो अभी तक हमने नहीं किया है, जो अभी तक हमने नहीं सोचा है, उससे हटकर थोड़ा नया करें, तो रचनात्मकता और नवीनता, कुछ नया भी करते हैं तभी तो जाके कुछ नया मिलेगा। तो जब तक रचनात्मक नहीं करेंगे, जो वास्तव में अभी तक है उसमें आप कुछ बदलाव नहीं करेंगे, कुछ रचनात्मक नहीं करेंगे, तो उससे कुछ नया मिलेगा नहीं। तो रचनात्मकता के आधार पर ही कुछ नया मिलता है, यानी नवीनता। तो रचनात्मकता और नवीनता जो है गणित शिक्षण के अध्ययन से हमें सीखने को मिलता है। इसके अलावा सहयोग और आपसी सम्मान। देखिए, कई बार हमने देखा है, कई बार हम सबको पता है कि गणित शिक्षण के प्रक्रिया में हमें जो है शिक्षकों का सहयोग चाहिए होता है, पाठियों का सहयोग चाहिए होता है, परिवार वालों का भी और मित्रों का भी, या हम किसी भी अन्य का भी सहयोग लेते हैं चीज़ों को कई बार बेहतर तरीके से सीखने का, क्योंकि कक्षा अध्ययन के दौरान हम कई सारे विषयों पर अध्ययन करने के दौरान अपने मित्रों की सहायता लेते हैं, मित्रों को बताते हैं, सिखाते हैं, कई बार ग्रुप में हम लोग चीज़ों को समझने का, पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो इस तरह की गतिविधियों से हमें जो है आपसी सहयोग और एक दूसरे का सहयोग करके किसी एक सामान्य उद्देश्य की, लक्ष्य की प्राप्ति को किस प्रकार से बढ़ा जा सकता है, इस प्रकार के गुणों का विकास करना भी हम सीख पाते हैं। तो एक सामाजिकता की भावना, एक आपसी सहयोग की भावना का भी विकास हमारे अंदर होता है। इसके अलावा वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता। देखिएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता, यानी कि हम जो निश्चय, जो नियम और सिद्धांत हमारे पास उपलब्ध है, हमें उनका ही पालन करते हुए
अपने कार्य को करना है। जो नियम हमारे लिए यहाँ पर लागू होते हैं वही नियम सब जगह लागू होते हैं। तो वस्तुनिष्ठ तरीके और निष्पक्ष तरीके से, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के, हम किस प्रकार से किसी उत्तर को या किसी विषय को पढ़ने की ओर अग्रसर होते हैं, इस प्रकार के जो गुण हैं वो भी गणित शिक्षण के माध्यम से हम सीख पाते हैं। देखिए मैंने डिटेल में लिखा है, आप इनको पढ़ सकते हैं। विश्लेषणात्मक कौशल तथा डेटा साक्षरता। देखिए विश्लेषण, हमारे पास कोई डेटा उपलब्ध है, हमारे पास कोई आप समझ लीजिए कि हमारे पास कुछ आंकड़े उपलब्ध है, तो हम जो भी हमारे पास में डेटा उपलब्ध है, जो भी हमारे पास साधन उपलब्ध है, उनके माध्यम से हम कैसे परिस्थिति का विश्लेषण कर सकते हैं। अगर हमारे जीवन में कोई समस्या आ गई है, हमारे जीवन में हमारे कोई समस्या है, किसी समस्या का समाधान करना चाहते हैं या किसी विषय का हल करना चाहते हैं, तो हम किस प्रकार से हमारे पास जो उपलब्ध ज्ञान है, अनुभव है और जो संसाधन है, उनका सही से विश्लेषण कर सके, जो हमारे सामने समस्या है उसका कैसे विश्लेषण कर सके, और हमारे समस्या के विश्लेषण के आधार पर हमारे उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से किस प्रकार से उस समस्या का समाधान किया जा सकता है, इस प्रकार का जो कौशल और गुण है ये भी गणित शिक्षण के माध्यम से हमें मिलता है। साथ ही साथ डेटा साक्षरता, आंकड़ों के आधार पर हम किस तरह से निर्णय ले सकते हैं, आंकड़ों के आधार पर किस प्रकार से वर्तमान स्थिति का, परिस्थिति का हम लोग पता लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आज का दिन है, बहुत गर्मी हो रही है, तो हम ये देखेंगे यार पिछले 5 दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, दोपहर के समय में जो है बहुत ज़्यादा तेज धूप हो जाए, तापमान तकरीबन जो है 40 डिग्री के आसपास होता है, तो शाम को 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में थोड़ी बहुत तेज़ हवाएं यानी कि आंधी चलती है। तो ये आंकड़े आपके पास है, इसी के आधार पर अगर आज के दिन में भी समान तापमान हो, 40 के आसपास में हो, मौसम बिल्कुल उसी तरह हो जैसा कि पहले रहा है, तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आज भी मौसम समान ही रहेगा, और फिर उसके आधार पर आप अगली आने वाली जो भी आपके निर्णय हैं उसको ले सकते हैं। यानी कि अगर आपको बाहर जाना है तो आप प्लान कर सकते हैं कि आप 5 बजे के बाद जाएँ या जाएँ ही नहीं, या जाएँ तो पूरी तैयारी के साथ जाएँ। तो पुराने डेटा का सही से विश्लेषण करके अपने निर्णय को लेने का भी जो गुण और कौशल है ये हमें गणित शिक्षण के माध्यम से सीखने को मिलता है। समस्या समाधान और वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग। देखिए समस्या समाधान और वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग, ये तो हमने ऊपर में पढ़ ही लिया अभी तक कि गणित शिक्षण में किस प्रकार से हम लोग समस्याओं का समाधान करते हैं और उसका फिर हम लोग आगे आने वाले प्रश्नों में, नए तरीके के प्रश्नों में उसका प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो भी चीज़ें हम अपने जीवन में सीखते हैं उसका प्रयोग हम फिर अलग अलग नई नई परिस्थितियों में कैसे कर सकें, इस तरह से हम उसका उपयोग करके अपने जीवन को ज़्यादा सरल बना सकते हैं, इस प्रकार के गुण भी हमको गणित शिक्षण में माध्यम से सीखने को मिलता है। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी जो आप लिख सकते हैं, मैंने इनको डिटेल में लिखा है ताकि अगर आपके 8 नंबर के प्रश्नों में पूछा जाए तब भी आप लिख सकते हैं, अगर यही प्रश्न आपके 15 नंबर के प्रश्नों में पूछा जाए तो भी आप इसको थोड़ा और विस्तार पूर्वक करते हुए यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों आपसे मात्र 2 या 3 पॉइंट पूछा है, मैंने 8 से 10 पॉइंट्स आपको बताएं, इसलिए बताएं कि अगर आप इनको डिटेल में चीज़ों को पढ़ते हैं ना तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको याद रहती हैं, और अगर ये चीज़ें आपको थोड़े भी फायदा कर रही हैं दोस्तों, मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिए, कुछ बेहतर कर सकता हूं मैं तो भी सुझाव जरूर दीजिए। राइट टू ऑब्जेक्टिव फ्रॉम मैथमेटिक टीचिंग एट सेकेंडरी लेवल। देखिए आपको यहाँ पर बताना है कि जो माध्यमिक स्तर है यहाँ में, कि माध्यमिक स्तर पर शिक्षण, गणित शिक्षण के क्या 2 उद्देश्य हो सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं कई सारे टॉपिक्स आपको लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 ही पूछा मैंने, उससे ज़्यादा ही पॉइंट्स आपको यहाँ पर बताया। तो माध्यमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं, इसमें सबसे पहले माध्यमिक स्तर पर छात्र अगर गणित पढ़ता है तो उसके अंदर निम्नलिखित प्रकार के गुण और कौशल विकसित होंगे। पहले गणित के माध्यम से तथ्यों, अवधारणाओं, सिद्धांतों, नियमों व व्यवहारिक तरीके से जो भी हमारे पास साधन उपलब्ध है उनका उपयोग करना, जो हमारे पास में साक्ष्य और सबूत उपलब्ध है उनसे ज्ञान प्राप्त करना हम सीख पाते हैं। तो ये एक चीज़ जो है हमें बड़े ही कारगर रूप से काम आती है। इसके अलावा सटीकता और शुद्धता के साथ गणितीय विचारों को संप्रेषित करने की क्षमता का विकास करना भी जो है गणित शिक्षण का उद्देश्य है। गणित शिक्षण के प्रति जड़ता और सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करना, यानी कि लोगों के अंदर जो एक डर, एक भय की भावना होती है उसको दूर करना, लोगों को प्रोत्साहित करना और एक सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करना भी जो है गणित शिक्षण का उद्देश्य है माध्यमिक स्तर पर, ताकि जो छात्र हैं गणित से डरे नहीं बल्कि उसके प्रति रुचि उसमें उत्पन्न हो और वो उसे बेहतर तरीके से सीख पाए। माध्यमिक स्तर पर गणित पढ़ाते वक्त इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि जो भी चीज़ें हम पढ़ें, चाहे हम लाभ हानि पढ़ें, प्रतिशत पढ़ें, या फिर हम लोग जो है मिश्रण के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग गति के बारे में पढ़ कुछ भी पढ़ रहे हैं या ज्यामिति पढ़ रहे हैं, तो इसका हम वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने में भी प्रयोग कर सकें। तो ये भी एक प्रमुख उद्देश्य है।
समस्याओं को हल करने में जो एल्गोरिदम का प्रयोग करते हैं हम लोग गणित में, उसी का प्रयोग हम लोग अपने जीवन में भी किस तरह से कर सकते हैं, इसको भी सिखाना जो है गणित शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा गणितज्ञों के योगदान की सराहना कर, आज तक या आगे भी जो भी गणित के क्षेत्र में जो विभिन्न प्रकार के योगदान किए जाते हैं, गणित के क्षेत्र में जो खोज हो, चाहे वो आर्यभट्ट की बात करें, रामानुजन की बात करें, चाहे हम गैलीलियो की बात करें, चाहे न्यूटन की बात करें, चाहे जो भी मैथमेटिशियन हुए, आपके यूक्लिड हुए हैं या फिर आपके लेबनीज हुए हैं, मतलब जो भी आपके मैथमेटिशियन हुए जिन्होंने इतने सारे थियोरम दिए हैं, गणित को इतना सुलभ बनाया है, उनके योगदान की सराहना करना, उनके कार्यों से सीखना और कुछ नया विकसित करना भी जो है माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्यों में शामिल है। बीजगणितीय कौशल, आरेख कौशल, निष्कर्ष निकालने में महारत हासिल करना भी गणितीय शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य है। यहाँ पर व्याख्याएं, जो पैटर्न उपलब्ध है हमारे पास में, उनके बीच में संबंध स्थापित करना, उनसे कुछ नया सीखना, उनसे कुछ समझ पाना, विश्लेषण करना और डेटा को व्यवस्थित तरीके से संरचित करके हम महत्वपूर्ण तरीके से सोच पाएँ, चिंतन कर पाएँ और किसी समस्या का समाधान कर पाएँ, इस प्रकार के गुण विकसित करना भी जो है माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्यों में शामिल है। आगे बढ़ते हैं, मेरिट्स ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड। देखिए ह्यूरिस्टिक मेथड जो है क्या है, अनुसंधान विधि के गुण के बारे में बात करी जा रही। तो देखिए इंग्लिश में जो है वो दिखा दे रहा हूँ, हिंदी में जो छात्रों के यानी कि छात्र को प्रयोग के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करना। अब ह्यूरिस्टिक मेथड क्या है, देखिए इसको मैं बताता हूँ। ह्यूरिस्टिक मेथड यानी कि साइंटिफिक मेथड भी कहते हैं। तो क्योंकि ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है तो वैज्ञानिक तरीके से छात्रों में प्रयोग के माध्यम से, चीज़ों को करने के माध्यम से एक गणित के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण, गणित के प्रति उनके मन में लगाव उत्पन्न करना भी ह्यूरिस्टिक विधि का एक रखेंगे यहाँ पर। ह्यूरिस्टिक मेथड का क्या लाभ है, चलिए इसके बाद, छात्रों में आत्म गतिविधि के माध्यम से सीखने की कला, उन्हें स्वतंत्र रूप से सीखने में मदद करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करना ही जो है आपका ह्यूरिस्टिक मेथड का एक प्रमुख तरीका है। क्योंकि देखिए यहाँ पर बच्चा करके सीखता है, जो भी गणित की समस्याएं होती हैं या विषय की संबंधित समस्याएं होती हैं, हम ह्यूरिस्टिक मेथड को सिर्फ गणित से जोड़ के नहीं देख रहे हैं, हम सभी विषयों में। तो जो साइंटिफिक मेथड है, ह्यूरिस्टिक मेथड है, अनुसंधान विधि है, इसके माध्यम से बच्चा जब कार्य को खुद करता है तो उसकी सीखने की जो क्षमता होती है वो भी विकसित होती है, विश्लेषण करने की क्षमता विकसित होती है और उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर होता है और जब समस्या के समाधान में वो सफल होता है तो उसके अंदर आत्मविश्वास में भी अद्वितीय बढ़ोतरी होती है। देखिए अनुसंधान विधि शिक्षार्थियों को उनके वास्तविक जीवन की स्थितियों के लिए भी तैयार करती है, क्योंकि आप चीज़ों को कर रहे हैं, इसको वास्तविक जीवन के आधार पर वास्तविक वातावरण में कर रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं आपके अंदर उस चीज़ का ज्ञान आता है, उस परिस्थिति में किस प्रकार से अपने ज्ञान को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उस तरह की चीज़ों का आपको सीखने का अवसर मिलता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ पजल इन मैथमेटिक्स टीचिंग, देखिए इम्पॉर्टेंस ऑफ पजल इन मैथमेटिक्स टीचिंग का मतलब है यहाँ पर कि पजल जो हमें सिखाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, मैंने बहुत डिटेल में आपके लिए लिखा है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो गणित शिक्षण में पहेलियों का क्या महत्व है, यहाँ से आपसे दो नंबर का पूछा है तो आप चाहे तो यहाँ पर ऊपर वाली लाइन जो मैं यहाँ पर इतना लिख रहा हूँ आप इसको लिख लें और यहाँ तक और उसके बाद में पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो देखिए पहेलियाँ गणित शिक्षण और सीखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती, खासतौर पर गणित शिक्षण की बात करें। पहेलियों के माध्यम से छात्रों को गणितीय अवधारणाओं का पता लगाने, समस्या समाधान कौशल विकसित करने और गणितीय सिद्धांतों को उनकी समझ को गहरा करने के लिए एक मूल्यवान तरीका जो है मिलता है, यह आकर्षक तरीका प्रदान करता है। और यहाँ कुछ कारण दिए गए हैं जिससे कि गणित शिक्षण में पहेलियाँ महत्वपूर्ण क्यों हों, इस बात को हम समझ सकते हैं। पहला, समस्या को सुलझाने का कौशल। किसी समस्या में हम फंस गए हैं, हमारे सामने कोई दिक्कत है, हम किसी परिस्थिति में हैं, तो हम गणित के माध्यम से अपने सोच और समझ के माध्यम किस प्रकार से जो हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, समस्याओं कैसे सुलझा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीख सकते हैं। वैचारिक समझ, देखिए वैचारिक समझ का मतलब होता है पहेलियाँ छात्रों को गणितीय अवधारणाओं की गहरी समझ विकसित करने में भी मदद करती है, ये भी है। प्रेरणा और जुड़ा, पहेलियाँ गणित में सीखने में आनंद तो देती हैं, साथ ही साथ एक उत्साह का तत्व भी जोड़ती हैं। वे नियमित अभ्यास और पारंपरिक शिक्षण विधियों से एक ब्रेक प्रदान करती हैं, यानी कि जब रेगुलर क्लासेस में पढ़ रहे हैं, जो बोरिंग तरीके से पढ़ रहे थे, जब हम थोड़ा पजल्स के माध्यम से चीज़ों को पढ़ते हैं ना, पहेलियों के माध्यम से पढ़ते हैं, तो क्लास रोचक बनता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को ज़्यादा मज़ा आता है, उनको प्रेरणा मिलती है, उनका मनोरंजन भी होता है और वो सीखते हैं। तो प्रेरणा और जुड़ा, और जिस विषय के बारे में हम पजल यानी कि पहेली सुलझा रहे हैं उस विषय के बारे में
ज्ञान भी बढ़ता है, तो प्रेरणा भी मिलती है यानी कि उत्साहवर्धन भी होता है, और साथ ही साथ हम उस विषय से जुड़कर चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख रहे हैं। ज्ञान का अनुप्रयोग पहेलियों के माध्यम से, जो हमने पहले सीखा है, जो हमारे पास अनुभव है, जो हमारे पास ज्ञान है, हम उसका प्रयोग करने के योग्य हो पाते हैं, हमें वैसी परिस्थितियां मिलती है, तो ज्ञान का प्रयोग करने का भी अवसर मिलता है। इसके अलावा सहयोग और संचार, देखिए पहेलियों के माध्यम से, अब यहाँ देखिए सहयोग और संचार, पहेलियों का उपयोग सहयोगी शिक्षण गतिविधियों के रूप में भी किया जा सकता है, जहाँ छात्र समस्या को हल करने के लिए एक साथ काम करते हैं और सहयोग के माध्यम से छात्र अपने दृष्टिकोण एक दूसरे के साथ साझा भी करते हैं, रणनीतियों पर चर्चा करते हैं और एक दूसरे की अंतर्दृष्टि से सीख सकते हैं, यानी एक दूसरे का जो ज्ञान है, अनुभव है, उससे भी एक दूसरे से सीख पाते हैं। पहेलियों में भी छात्रों को उनकी गणितीय सोच को संप्रेषित करने का अवसर मिलता है, उनके अंदर तर्क को स्पष्ट करने का अवसर मिलता है, और साथ ही साथ उन्हें समस्या समाधान संबंधित गतिविधियां करने का अवसर भी मिलता है। लचीलापन और दृढ़ता का निर्माण करते हैं, तो हमारे अंदर लचीलापन विकसित होता है, हम किसी भी विषय के बारे में थोड़ा लचीला होकर सोच पाते हैं, यानी कि अलग अलग तरीके सोच पाते हैं और दृढ़ता से अपनी समझ के ऊपर जो है हम लोग काम करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है जो अगले बचे हुए 6 प्रश्न हैं उनको करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो आपके लिए भी थोड़ा सा सीखने में मदद नहीं मिलती है। तो ये दोनों वीडियोज में आपको एक साथ ही पोस्ट कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो आगे वीडियो में हम लोग रिमेनिंग 5 क्वेश्चन और